सेंट अल्फोंसा चर्च कैथेड्रल बरेली में क्रिसमस का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 25 दिसंबर यानी बड़े दिन के अवसर पर बरेली धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्ष इग्नेशियन डिसूजा जी ने प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए सभी के लिए दुआ की और सभी की तरक्की के लिए विचार किया। इस मौके पर बरेली धर्म प्रांत से सभी फादर और सभी सिस्टर्स यानी धर्म बहनें उपस्थित रहीं। बरेली बिशप स्वामी जी ने क्रिसमस क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी सभी को बताया और एक दूसरे से भलाई और प्रेम के साथ रहने का मार्गदर्शन भी दिया। इसी के साथ प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया गया और साथ ही साथ बिशप स्वामी ने विभिन्न स्कूल से आए बच्चों की प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए प्रदर्शनी को शुरू किया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपने विभिन्न प्रकार के मॉडलों के द्वारा कई एक अहम मुद्दों का संदेश दिया कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन दुरुस्त रखना चाहिए और साथ ही साथ आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह अपने आप को सुरक्षित और बचावपूर्वक रखना है इसका भी संदेश दिया। बच्चों ने अपना कार्य के हिसाब से पूरी सफलता के साथ दिया सहयोग। इस मौके पर स्कूल की टीचर्स व अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा और इसके साथ ही साथ प्रदर्शनी का सुंदर लेख लिखने पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हुए एक दूसरे तरफ ज़रूरतमंदों की किस तरह मदद की जाए इसके बारे में बरेली बिशप स्वामी जी ने एक संदेश दिया और सभी को इस कांपने वाली ठंड में एक दूसरे की मदद करने का आभार व्यक्त किया। बरेली से सीनियर संवाददाता नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। Most Reverend Ignatius D'Souza is here, the Bishop of Bareilly. I request him to inaugurate the exhibition by cutting the ribbon. So on my behalf.